चार जी अक्षय तृतीया 10 मई को है, और 10 मई को गजलक्ष्मी राजयोग का भी निर्माण होने जा रहा है। इससे किन राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है और कितने सालों के बाद यह युति होने जा रही है और यह जो संयोग है वह बनने जा रहा है। हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। 10 मई अक्षय तृतीया को ही वृषभ राशि पर गुरु और चंद्र की युति हो रही है। गुरु चंद्र की युति से गज केसरी राजयोग, गज लक्ष्मी राजयोग इस प्रकार का योग बन रहे हैं। तो उस ऐसे योग से राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। गुरु और चंद्रमा की युति से 3 राशि का भाग्य चमकने वाला है। उस दिन 3 राशि वाले यदि कोई कार्य करना चाहते हैं तो उस कार्य को उसी दिन संपादन करें। यदि भूमि खरीदना चाहते हैं उस दिन यात्रा करें। यदि वाहन खरीदना चाहते हैं तो 10 मई को आप वाहन ले आएं, वो वाहन आपके लिए मंगलकारी होगा। तो 3 राशि वाले जो हैं वह 3 राशि वाले हैं, मेष, कर्क और सिंह। ये 3 राशि वाले का भाग्य अक्षय तृतीया के दिन से ही बदलने वाला है। तो तैयार हो जाएं अपने भाग्य को चमकाने के लिए। अक्षय तृतीया का इंतजार 10 मई को समाप्त होगा। उस दिन से आप कोई भी कार्य का प्रारंभ करें, नए बिजनेस करना चाहते हैं तो उस दिन से प्रारंभ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गुरु और चंद्रमा की युति बराबर एक साथ नहीं होती है। यह बहुत दिनों के बाद लग रहा है।